नमस्कार दोस्तों, सैरिसी टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है और मैं हूं दिलीप गंगवार। दोस्तों, मैं आपको एक सेटिंग और बताना चाहता हूं। अगर आप वो सेटिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपकी वेबसाइट आराम से रन तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जैसे ही आप उसको लॉगिन करने जाएंगे, पासवर्ड वगैरह डालेंगे, तो एक एरर आएगी आपके सामने। और जो मैं सेटिंग आपको बता रहा हूं, अगर वो कर लेंगे तो वो एरर से आप बच सकते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एरर आ गई। एरर देखिए बहुत क्लियर है, लॉगिन फेल्ड फॉर यूजर IIS अप्रूवल। ऐसा तो लग ही रहा है कि IIS की एरर है ये। इस एरर के सलूशन के लिए मैं आपको ये सेटिंग बताने वाला हूं जो आगे है। एप्लीकेशन पूल पे आपको क्लिक करना है, यही है ना वेबसाइट आपकी, स्कूल ए वाली वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आना है आपको और इस पे राइट क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे हमें जाना है एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा आइडेंटिटी का, ये देखिए दिख रहा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में यहाँ पे लिख रखा है एप्लीकेशन पूल आइडेंटिटी, इस पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे एप्लीकेशन पूल आइडेंटिटी की जगह लोकल सिस्टम रखना है यहाँ पे आप, और इसको ओके कर दें तो ये एरर आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स में टैग करें, लाइक करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।